दोस्तों नमस्कार। 7 अक्टूबर है, 7 अक्टूबर 2021 नवरात्र, यानी कि लगभग पूरे हिंदुस्तान में जो भी हिंदू हैं या पूरे वर्ल्ड में जो भी हिंदू हैं उन सब ने आज माता जी की स्थापना कर ली है, नवरात्रा प्रारंभ हो गई है। क्योंकि हमारा उदयपुर शहर का मामला है और फिर मामला उदयपुर शहर में भी सुथारवाड़ा का है। सभी लोग जानते हैं कि सुथारवाड़ा में बहुत धूमधाम से माता जी मनाई जाती है, बहुत ऊंचे ऊंचे पांडाल बनाते हैं। ये हमारे तुलसीराम जी बापू है, उसके बाद में पंडित जी नरोत्तम जी गौड़ हैं। तो और इतनी संख्या, आज भी छोटे छोटे बच्चे खड़े हुए हैं। अभी ये कोरोना के कारण हम लोग तुलसीराम जी बापू के यहाँ, एक इनका पूरा ये बिजनेस का शोरूम है, लेकिन इस शोरूम को बंद करके इन्होंने अपने यहाँ पर माता जी की स्थापना की है। अभी आधे घंटे बाद यहाँ पर बहुत बड़ी आरती होगी, बहुत बड़ी, क्योंकि सड़क पे नहीं कर सकते कोरोना के कारण। बापू आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इतनी धूमधाम से मनाते हैं। नरोत्तम जी गौड़ साहब एक बहुत बड़े विख्यात पंडित है। कारण कि इनका मैं परिचय दूँ तो ये मेरे क्लास फेलो हैं, नरोत्तम जी गौड़, हम साथ साथ पढ़े हुए हैं। पढ़ने के बाद में भी इन्होंने जो ज्योतिष विद्या, ये जितने भी हमारे शास्त्र की विद्या, पूजा पाठ की विद्या, इन्होंने बहुत ऊंची सीखी है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से अधिकारी के रूप में रह चुके हैं नरोत्तम जी गौड़, और इन्होंने रिटायरमेंट इनका हो गया है। तुलसीराम बापू के भी अपना बहुत बड़ा बिजनेस है फ्लावर्स डेकोरेशन का, लेकिन माता जी में इनके पूरे परिवार की आराधना है, पूरे सुथारवाड़ा की आराधना है। गौड़ साहब, मुझे तो आप ये बताइए कि ये जो पूजा अभी आपने की, इस तरह की पूजा क्यों करनी चाहिए? नवरात्रा का पर्व वर्ष में दो बार आता है, शक्ति संचय, मतलब शक्ति का संचय करना, आत्मविश्वास
और इसके लिए नवरात्रि की सेवा पूजा की जाती है। नवरात्रि में उपवास रखते हैं, माता जी की सेवा पूजा करते हैं, तो एक नई शक्ति का संचार होता है। दशहरे के दिन रावण दहन होता है और उसके बाद में दिवाली आती है, तो सभी अपना धंधा बिजनेस जोर शोर से कर पाते हैं, तो वो शक्ति का जो संचय है वो नवरात्रि में होता है, इसलिए ये नवरात्रि की पूजा आराधना की जाती है। अच्छा, क्योंकि कई सौ सारे लोग, जितनी आप को ज्ञान है पंडित जी कि कई तरह के स्तोत्र होते हैं, कोई अज्ञानी भी आदमी अगर इसकी पूजा पाठ करे तो उसकी क्या विधि है? मान लो उसके सारे मंत्र नहीं आते हैं, कुछ भी नहीं आता है, वो खाली नारियल बदलता है, धोख दे देता है, तो क्या ये भी भक्ति में आता क्या? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही जवाब प्रश्न किया। भगवान तो भावना के भूखे होते हैं, अगर सच्चे दिल से, सही हृदय से, भावना से, और खाली हाथ भी जोड़ दिया जाए, नमन कर दिया जाए, तो भी ईश्वर मान लेता है। और बाकी तो आडंबर है, तो ये तो विधि विधान बना दिए हैं, शास्त्र बना दिए हैं, शास्त्रोक्त पूजा की जाती है, और लेकिन अगर किसी को नहीं आता है, किसी के पास साधन नहीं है, और वो वैसे भी हाथ जोड़ता है, नारियल वधार देता है, फूल माला चढ़ा देता है, तो भी भगवान है, माता जी, हनुमान जी है, उसको सारे को उनको मानते हैं। अच्छा, ये जो अपन ने माता जी है, कहते हैं कि नौ देवियाँ हैं, नौ देवी का स्वरूप है, तो ये नौ देवी का क्या मतलब है? जब शास्त्रों के अनुसार लिखा हुआ है, जब राक्षस का वध किया था माता जी ने, तो नौ माताओं के रूप उन्होंने धारण किए थे, और युद्ध चला था नौ दिन तक उस राक्षस से, तो अलग अलग रूप धर के माता जी ने और युद्ध किया था, और अलग अलग सवारी है, जैसे माता जी की पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन अलग अलग सवारी है, अलग अलग रूप ये श्रृंगार है, इस तरीके से नव माता का जो है वो स्वरूप वर्णन है। एक दूसरी ओर है कि कालिका माता, हम लोग जब देखते हैं कि भी कालिका माता के पांव के नीचे शिवजी हैं, तो यार ये हम तो जानते हैं पर कई लोग नहीं जानते हैं, दूसरे धर्म के भी है, मुसलमान भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं, कई लोग कहते हैं कि आप इसको कालिका माता जी कह रहे हैं और कालिका जी माता जी के नीचे पांव पे शंकर भगवान है, ये क्या? तो हम तो जानते हैं कि वो दरअसल क्या हुआ कि पार्वती जी ने अपने पुत्र गणेश को पेरेदारी पे रखा कि मैं स्नान कर रही हूँ तो कोई अंदर नहीं आना चाहिए, और लेकिन महादेव जो है वो 12 साल में घूमते फिरते जो आए, और वो आपस में शक्ल पहचानते नहीं थे, तो गणपति ने जो है महादेव जी को रोक लिया कि आप अंदर नहीं जा सकते, मेरी माता की आज्ञा है, वो स्नान कर रही है, आप अंदर नहीं जा सकते। तो उन्होंने कहा मेरे ही घर है और तू मेरे को रोक रहा है, तू कौन है? कि मैं उनका पुत्र हूँ। तो महादेव जी भी नहीं माने अंदर जाने के लिए, और गणेश जी भी नहीं माने, तो दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। दोनों में जब भयंकर युद्ध हुआ, तो जब गणेश जी भारी पड़ने लगे, तो महादेव जी ने त्रिशूल से उनकी गर्दन काट दी। जब पार्वती जी को ये पता चला कि मेरे पुत्र को इन्होंने मार दिया है, तो वो बड़ा उनको क्रोध आया, और जो कालिका का स्वरूप अपन देखते हैं कि जो विकराल स्वरूप है, जीबान निकली हुई है, खप्पर है हाथ में, नरमुंड है गले के अंदर, तो वो सारा रूप उन्होंने, और क्योंकि अपने हिंदू धर्म के अंदर पति के ऊपर स्त्री हाथ नहीं उठाती, तो वो महादेव जी का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकती थी, तो उस क्रोध में उन्होंने त्रिलोक का संहार करना प्रारंभ कर दिया, जो भी सृष्टि थी उनको। तो महादेव जी ने देखा कि तो ये मार देगी सबको, ख़त्म कर देगी, इतना क्रोध है इसमें, तो वो उस क्रोध को शांत कैसे किया जावे, तो वो रास्ते में लेट गए, तो जो ही उनका पाँव पड़ा माता जी का, कालका माता का महादेव जी के ऊपर, तो पाँव पड़ते ही और उनको आश्चर्य हुआ, जो जीबान निकली हुई अपन देखते हैं इस तरीके से, तो आश्चर्य में उनकी जीबान निकल गई, अरे मेरे से क्या गलती हो गई, मेरे पति पे मेरा पाँव पड़ गया है। तो इस प्रकार से ये कालका माता का वर्णन आता है, और वो सारा संहार वगैरह रुक गया और सारा क्रोध जो माता जी का समाप्त हो गया उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ये पंडित नरोत्तम जी गौड़ हैं। मुझे तो ज़्यादा खुशी इसलिए होती है कि ये मेरे मित्र हैं, हम एक क्लास में पढ़े हुए हैं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, दसवीं, जो भी कह लो आप, धान मंडी स्कूल पर। ये इतने ज्ञानी हैं कि आप देखो कितने सरलता से सहज प्रश्न दे दिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, अब तो आपका आशीर्वाद की ले रहे हैं। मैं भी कुछ कहना चाहूँगा, छोगा लाल जी ने बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें कर दी, इतना मैं काबिल नहीं हूँ, ना मेरे को कोई ज्ञान है शास्त्र का, जैसा कुछ भाई लोगों के साथ में रह के सुना पढ़ा,
और ऐसा नहीं है, इनसे भी हमने बहुत सारा ज्ञान लिया क्या हर चीज़ के अंदर, अपने अपने क्षेत्र में सारे ये जो विशेषज्ञ होते हैं क्या, और हमने सारा सुख दुख साथ देखा और आज आराम से कमा रहे खा रहे दाल रोटी जो है, तो हमको भी बड़ी खुशी होती है। और आज 55 साल का हमारा व्यवहार है, आज भी वही कायम है जो इन्होंने हाथ रख रखा है मेरे पीठ पे, वो 55 साल से रख रखा है ये समझ ले मैं। और बोलो अम्बे मात की जय। ये आपका बड़प्पन है नरोत्तम जी गोड़ साहब, तुलसीराम जी बापू जो मित्र हैं, छोटे भाई हैं, माता जी की कृपा, क्योंकि इनके यहाँ पे जब से आना लगा 20-25 साल से आ रहे हैं हम लोग, माता जी की पूरी भक्तिमय लेते हैं, इतनी बढ़िया पूरा उदयपुर लाइव टेलीकास्ट करते हैं तब देखते हैं। तुलसीराम जी आपको तो बहुत बहुत ये काम करते हैं, फिर भी दो शब्द कहें। जो भैया नरोत्तम जी ने बोला इनसे आगे मैं कोई जानकारी नहीं रखता हूँ। चलो ये बहुत बहुत धन्यवाद, तुलसीराम जी बापू हमारे मित्र हैं। अभी कुछ ही आरती कितनी बजे होगी? बस अभी 5-10 मिनट में। अच्छा 10 मिनट बाद दोस्तों, क्योंकि कोरोना के कारण अभी भी जिला प्रशासन ने कई सारी बंदिशें लगा रखी है, लेकिन फिर भी हमारे सुथारवाड़ा के सभी भक्त लोग, सभी पंडित जी आए हुए हैं। पंडित जी आप भी अपना नाम बताकर कुछ बतावें। मेरा नाम नारायण पंचोली, नवनीत पंचोली, और गोड़ साहब के साथ में माता जी के दरबार में 9 दिन 10 दिन सेवा आशीर्वाद देता माता जी का, और बापू का सबसे बड़ा हिसाब किताब है, सब व्यवस्था सब बापू के, तुलसीराम जी। चलो हम उनके साथ हैं तो आनंद ये भी लेते हैं, हमारे भी ले आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सुथारवाड़ा मित्र मंडल द्वारा आयोजित नवरात्रि महोत्सव में आपका हार्दिक स्वागत है। यह महोत्सव हम कोविड गाइडलाइन के अनुसार एक पारंपरिक रूप में हम इस महामे जी की पूजा अर्चना कर एक साधारण स्वरूप हम इस पूजा को 9 दिन तक करेंगे। हम परिवार के सदस्यों के द्वारा सीमित दायरे में और सीमित जनमानस के परिवार के लोगों के द्वारा ये पूजा अर्चना की जा रही है, और अटूट इस पूजा अर्चना में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन भी। मामे जी की पूजा अर्चना का आयोजन किया जा रहा है परिवार के सदस्यों के द्वारा। हम सब रोधारे तेरी आरती हो मैया, हम सब रोधारे तेरी आरती Thank you.
Thank you.
YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।